बठिंडा से कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की धर्मपत्नी अमृता वडिंग महिला मतदाताओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक सप्ताह पहले राजा वडिंग को बठिंडा से कांग्रेस का टिकट देने की घोषणा हुई थी। उसी दिन से अमृता वडिंग अपने पति राजा वडिंग के लिए प्रचार करने में दिन रात लगी है। अमृता वडिंग हर रोज एक दर्जन गांवों में मतदाताओं से मिलती हैं और शहरी इलाकों में आधा दर्जन रैलियां करती हैं। अमृता वडिंग समाज सेवक है और आसरा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। यह एनजीओ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। अमृता वडिंग के लिए राजनीति समाज सेवा का ही विस्तार है। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए अमृता वडिंग ने कहा कि वह समाज को वापस देने में विश्वास रखती है, यही उनके एनजीओ का टैगलाइन भी है। अमृता वडिंग कहती है कि जिंदगी में छोटा सा निर्णय लेने से पहले हम अच्छी तरह से सोचते हैं, फिर केंद्र सरकार में 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हम लापरवाही कैसे कर सकते हैं। अमृता वडिंग बठिंडा के मतदाताओं से मतदान से पहले अच्छी तरह से विचार करने की अपील करती हैं। अमृता वडिंग अपनी विरोधी उम्मीदवार अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल पर भी निशाना लगाती हैं। क्या आप कभी हरसिमरत बादल के इतना नजदीक पहुँच सकती हैं? अमृता वडिंग बठिंडा के महिला मतदाताओं से पूछती हैं। अमृता वडिंग चुनाव प्रचार के दौरान बठिंडा हलके में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का प्रश्न भी उठाती हैं। अमृता वडिंग बठिंडा हलके में पीने के पानी, सड़कें, सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की ओर भी इशारा करती हैं। अमृता वडिंग 10 साल के अकाली भाजपा गठबंधन के कुशासन पर भी बात करती हैं। अमृता वडिंग बठिंडा के मतदाताओं से गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी और बैवल कलां गोलीकांड की बात भी करती हैं। अमृता वडिंग अपने पति राजा वडिंग के साथ जुड़े विवादों के लिए अपने विरोधियों को जिम्मेदार ठहराती हैं। राजा वडिंग की राजनीति की शुरुआत 2012 में गिद्दड़वा से विधानसभा का चुनाव जीतने से हुई थी। इससे पहले गिद्दड़वा को अकाली दल का गढ़ माना जाता था। 19 साल से लगातार अकाली दल के मनप्रीत सिंह बादल गिद्दड़वा से जीतते आ रहे थे। मनप्रीत बादल ने 1995 में गिद्दड़वा से प्रतिष्ठित उपचुनाव जीता था। उसके बाद 1997, 2002 और 2007 के चुनाव में भी मनप्रीत बादल अकाली दल की ओर से गिद्दड़वा से जीते थे। अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल भी 2 बार गिद्दड़वा से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। 2012 में राजा वडिंग ने मनप्रीत बादल को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। राजा वडिंग की इस कामयाबी में भी उनकी पत्नी अमृता वडिंग और कनेडा से आई बहन कमल ढिल्लों का बड़ा हाथ था। उसके बाद राजा वडिंग ने पंजाब की राजनीति में लंबा सफर तय किया है। 2012 में गिद्दड़वा विधानसभा चुनाव जीतने के समय राजा वडिंग यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे। उसके बाद राजा वडिंग को यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रधान बना दिया गया। 2017 में राजा वडिंग लगातार दूसरी बार गिद्दड़वा से जीतकर विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। अब कांग्रेस ने राजा वडिंग को बठिंडा की हाई प्रोफाइल सीट से मैदान में उतारने का फैसला किया है। बठिंडा में इस बार तीखा चार कोना मुकाबला हो रहा है। राजा वडिंग के सामने अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल के अलावा आम आदमी पार्टी की प्रोफेसर बलजिंदर कौर और पंजाब एकता पार्टी के सुखपाल खैरा भी हैं। इनमें से 2 उम्मीदवार महिला हैं। अमृता वडिंग अपने पति राजा वडिंग के लिए महिला मतदाताओं से संपर्क और संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रोचक बात यह भी है कि 2012 में राजा वडिंग से गिद्दड़वा से हारने वाले मनप्रीत बादल अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मनप्रीत बादल 2014 का लोकसभा चुनाव भी बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल से हारे थे। 2017 में मनप्रीत बादल बठिंडा शहरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। मनप्रीत बादल इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में वित्त मंत्री हैं। मनप्रीत बादल का बठिंडा इलाके में अच्छा प्रभाव समझा जाता है और वह राजा वडिंग की कामयाबी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बठिंडा लोकसभा सीट में बठिंडा शहरी, बठिंडा ग्रामीण, लंबी, तलवंडी साबो, मोड़, मानसा, बुचो मंडी, सरदूलगढ़ और बुलाडा विधानसभा क्षेत्र शामिल है। बठिंडा पंजाब का 5वां सबसे बड़ा शहर और व्यापार का केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बठिंडा में है। एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी भी बठिंडा में ही है। भारत का सबसे पुराना किला भी बठिंडा में है, जिसे रजिया सुल्ताना किले के नाम से जाना जाता है। बठिंडा ने मुगलों और अंग्रेजों का राज नजदीक से देखा है। वर्तमान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जद्दी गांव मेराज बठिंडा लोकसभा सीट में आता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जद्दी गांव बादल भी बठिंडा में ही है। बठिंडा में अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग में सीधा मुकाबला हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की बलजिंदर कौर और पंजाब एकता पार्टी के सुखपाल खैरा को भी कम करके नहीं आंका जा सकता।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।